अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यस और नो का। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट पहले से डीबीटी से लिंक है तो यहाँ पर यस करना होता है, डीबीटी से लिंक नहीं है तो नो करना होता है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पर आ जाना है। जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पर आ जाएंगे, अब यहीं पर आपको सेविंग अकाउंट के सामने जो एक एरो देखने को मिल रहा है, आप इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अब यहाँ से आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यस और नो का। तो अगर आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वह बैंक अकाउंट हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। और पहले से कोई भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमारा कौन सा बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है या कैसे पता करेंगे, तो यह पता करने के लिए अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे UIDAI। जैसे आप यह सर्च करेंगे तो आप UIDAI के पोर्टल पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप लैंग पे सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर इसी पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पर स्मॉल D437 ऐप यानी सेम एंटर करके लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आप यहां पर दे सकते हैं, अभी आपका जो भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक होगा उस बैंक का नेम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अकाउंट लिंक है या नहीं आपको यहां पर स्टेटस देखने को मिल जाएगा, एक्टिव इनएक्टिव। तो हमारा यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभी डीबीटी से लिंक है। अब हम एयरटेल पेमेंट बैंक को लिंक करना चाहते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से बैक आते हैं। तो हमारा पहले से एक बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है। जैसे आपने देखा हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहले से डीबीटी से लिंक है, तो हम यहां पर यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी अदर बैंक अकाउंट लिंक है तो भी आपको यहां पर यस सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है तो अभी आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं। यस सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डीबीटी से लिंक है अभी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने यस सेलेक्ट कर लिया है और हमारा जो बैंक अकाउंट अभी डीबीटी से लेंगे उस अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आए, तो जैसे हम यहाँ पर आधार OTP एंटर करते हैं, जैसे हमने आधार OTP एंटर किया, अब आप यहाँ पर दे सकते हैं लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है डीबीटी से लिंक हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद जब आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक हो जाएगा तो आपको कुछ प्रकार मैसेज देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जैसे हमारा इंस्टेंट हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक हो चुका है और हमको यह मैसेज देखने को मिल चुका है।